हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 12 की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर में। और पहले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ना तो सब कुछ है आपको, तो क्या क्या पढ़ना है वो आज के हमने इस टॉपिक में लिखा है। आपको पहले अध्याय में क्या क्या पढ़ना आप देख सकते हैं, अभी हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। और आपके चैप्टर का क्या नाम है, सबसे पहले यूनिट एक है, पहली यूनिट, यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होती है वो भी हम जानेंगे, स्थिर विद्युत की क्या होती है। और चैप्टर का नाम है आपके विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। चैप्टर का क्या नाम है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो वीडियो को या क्लास को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए, आपके टाइम को नुकसान ना करते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे स्थिर विद्युत की क्या होती है। स्थिर विद्युत की जानने से पहले जानते हैं विद्युत की क्या होती है। विद्युत की क्या होती है प्यारे बच्चों, विद्युत की भौतिक विज्ञान की एक प्रकार की शाखा होती है। क्या होती है, विद्युत की एक भौतिक विज्ञान की एक प्रकार की शाखा होती है, जिसके बारे में या जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। हमने क्या बताया, विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत की कहलाते हैं। विद्युत की दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर विद्युत की, एक होता है गतिक विद्युत की। तो प्यारे बच्चों, फिर मैंने क्या बोला, विद्युत की कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर विद्युत की, एक होता है गतिक विद्युत की। अब स्थिर विद्युत की क्या होती है, विद्युत की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश को रख कर पढ़ते हैं, आवेश को एक स्थान पर रख दें और उनके मध्य होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करें, वो आपका क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। और गति की विद्युत की क्या होता है, आवेश को हम लोग गति करा के जो पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश के गति के बारे में अध्ययन करें वो क्या कहलाता है, गतिकीय विद्युत की कहलाती है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हमने क्या बताया, विद्युत की विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो विद्युत की कहलाती है। विद्युत की दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत की, एक गतिकी विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होती है, विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश को स्थिर रख के, आवेश को एक जगह स्थिर करके उनके मध्य अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो स्थिर विद्युत की कहलाती है। और गतिकी विद्युत की क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश की गति के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आपके वैद्युत गतिकी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग लिख लेते हैं जो हमने जाना। सबसे पहले हमने क्या बताया, विद्युत की, विद्युत की के बारे में हमने क्या बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं विद्युत की कहलाती है, विद्युत की कहलाती है।
यह कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट? यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला स्थिर विद्युत की, क्या होता है? स्थिर विद्युत की, जो कि आपकी पहले यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गतिकी विद्युत की, क्या होता है? गतिकीय विद्युत की, गतिकीय विद्युत की दूसरा अध्याय है, सॉरी दूसरा प्रकार है गतिकी विद्युत की। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया स्थिर विद्युत की क्या होती है। विद्युत की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो क्या करेंगे, विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश को एक स्थान पर स्थिर रखकर, स्थिर करके अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है? विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश को एक स्थान पे स्थिर रख के उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। और हमने दूसरा क्या बताया, गतिकी विद्युत की क्या होता है? विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के गति के बारे में अध्ययन करते हैं, विद्युत की क्या कहलाता है? गतिकी विद्युत की कहलाता है, गतिकीय विद्युत की कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत की क्या होती है, स्थिर विद्युत की क्या होती है और गतिकी विद्युत की क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तब हम लोग इस अध्याय को स्टार्ट करेंगे कि इस अध्याय में आज की जो टॉपिक पढ़ना है वो आज की टॉपिक है विद्युत आवेश। आज की टॉपिक विद्युत आवेश को पढ़ना भी है और देखना भी है कि आवेश होते क्या हैं, आवेश उत्पन्न कैसे होते होंगे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, आइए हम लोग इसको मूव कर लेते हैं और जानते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों, और पूरा उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा विद्युत आवेश क्या होते हैं। तो क्या बना लेते हैं, क्या हमको पढ़ना है? विद्युत आवेश पढ़ना। सबसे पहली टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहली टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ठीक। अब हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कि संसार में कुछ, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कि अगर जिनको आपस में क्या किया जाए, एक दूसरे से रगड़ें, तो
उन पदार्थों में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे आइए प्यारे बच्चों एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमने क्या कहा, एक कांच की छड़ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक कांच का छड़ ले लेते हैं, कांच की छड़, ठीक। और एक ले लेते हैं रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े, ठीक। उसके बाद एक ले लेते हैं आबू नस की छड़, और एक ले लेते हैं बिल्ली की खाल, अब प्यारे बच्चों समझिएगा जरा सा क्या होता है। जब हमने क्या बताया, विद्युत आवेश क्या होते हैं, संसार में या प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में क्या किया जाए, रगड़ा जाए, जिनको आपस में एक दूसरे से रगड़ने पर उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। प्यारे बच्चों तो आइए हम समझते हैं कैसे। जब देखा गया, क्या देखा गया, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े तो उन्होंने देखा कि इस कांच के छड़ पे एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न हो गया, गुण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये जो कांच है छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल कणों को ये अपनी ओर क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। तो कांच पे आया यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया, दिमाग में फिर से ले लीजिएगा, हमने क्या बताया, एक कांच लिए, कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा, जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो ये कांच के छड़ को, कांच के छड़ पर एक प्रकार का गुण आ गया जिसके कारण यह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। तो कांच पे आया यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या देखें, जब आबूनस, आज जिस प्रकार कांच का छड़ होता है उसी प्रकार आबूनस का एक छड़ होता है जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो इस पे भी इसी प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। जैसे कांच पे जो गुण उत्पन्न हुआ था उसी प्रकार इस आबूनस के छड़ पर भी गुण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये आबूनस की छड़ जो है छोटे छोटे टुकड़ों को, नन्हे नन्हे कणों को जो है अपनी ओर क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। आकर्षित मतलब खींच रहे थे अपनी तरफ। तो इस आबूनस के छड़ पे आया गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये जरूर आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, अगर ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आए होंगे तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, और एक दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। तो आइए इसको मूव कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया प्यारे बच्चों, आप लोग जो है रोज देखते होंगे जब आप लोग बाल झाड़ते हैं तो बाल झाड़ते समय जो है आप कंघी का उपयोग करते होंगे। तो एक कंघी हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक कंघी बना लेते हैं, ठीक। अब इस जब कंघी को हम लोग बाल से स्पर्श नहीं कराए रहते, यानी इस कंघी को केवल बाल से स्पर्श जब नहीं कराए रहते, तब जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ये कंघी जो है इस छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाती, इस छोटे छोटे टुकड़ों को, ये छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाती। कब, जब इसको सूखे बालों से नहीं स्पर्श कराए रहते, पर जैसे ही इसे सूखे बालों से क्या करते हो, इस कंघी को सूखे बालों से स्पर्श कराते हो, तो सूखे बालों से स्पर्श कराने के बाद यह क्या होता है, कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, जो धूल कर रहेंगे, उनको ये क्या कर लेता, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कंघी पर आया यह गुण, कंघी पर आया यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। कंघी पे आया यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। सूखे बालों से रगड़ने के बाद, सूखे बालों से स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, डियर स्टूडेंट ये होता है।
तो ये एग्जांपल आपको जरूर समझ में आए होंगे। क्या हमने बताया, जब हम कंघी को जो है बाल से स्पर्श नहीं कराए रहते हैं, जब बाल से इनको स्पर्श नहीं कराए रहते हैं, तो इस कंघी को जब छोटे छोटे कड़ों के पास लेके जाते हैं, तो यह किसी भी प्रकार के जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, इनको ये आकर्षित नहीं कर पाता है। और जब इनको हम लोग बाल से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद देखते हैं कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिए, तो खींचने का जो गुण हुआ वो गुण क्या कहलाया, विद्युत आवेश कहलाया। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए, तो सर आपने भी पढ़ा है कि विद्युत आवेश क्या होता है, अच्छा इसे उत्पन्न कैसे करेंगे, क्या आप हमें प्रैक्टिकली बता सकते हैं? जी हम बता सकते हैं कि हमने क्या बताया कि इस कंघे को जब हम सूखे बालों से नहीं रगड़े रहते हैं, तो ये कंघा छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि इस कंघे को सूखे बालों से हमने जब नहीं रगड़ा है, तो ये किसी भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ना तो आकर्षित कर रहा है, ना तो कुछ कर रहा है, यानी इस कंघे पे कोई विद्युत आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब अगर हम इसको रगड़ेंगे तो ये आवेश आकर्षित करेगा? बिल्कुल। तो आप इसको अच्छा रगड़ते हैं, इसको आप रगड़ के देख सकते हैं। देखिए बच्चे, बच्चों हम आपके कंघे को अपने बालों से रगड़ रहे हैं, अच्छा दिखाइए क्या हो रहा है। तो रगड़ने के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो ये देख लीजिएगा, आपको कंघे पे जो है इसको का जो टुकड़े थे, ये छोटे छोटे टुकड़े क्या हुए, लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आप अपने बालों से इसे और अच्छे से रगड़ोगे और रगड़ के देखोगे, तो ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इस कंघे पे जो ये गुण उत्पन्न हुआ, इस कंघे पे उत्पन्न गुण क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो जैसे इनका डाउट क्लियर हो गया, वैसे डियर स्टूडेंट अगर आपके डाउट नहीं क्लियर होते होंगे, तो आप घर पे ये स्वयं प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मूंगफली खाने के बाद मूंगफली के छिलके जो बचते होंगे उनको आप ऐसे करके देख सकते हो। अच्छा सर, अच्छा। हमारे मन में एक क्वेश्चन और है, ये है अगर हमारे बाल भीगे होंगे तो क्या ऐसा फिनोमेना फिर भी होगा? तो डियर सर जी, अगर हमारे जो बाल होंगे वो भीग जाएं, किसी के पानी यानी बरसात का पानी हो चाहे जिसका पानी हो, अगर बाल हमारे भीगे रहेंगे तब कंघी से रगड़ेंगे, तो कंघी से रगड़ने के बाद जो घर्षण होता है वो कम हो जाएगा। तो घर्षण कम होने के कारण ये जो कंघी पे जो आवेश उत्पन्न होने का जो गुण आता है, इस कंघी पे आवेश उत्पन्न नहीं हो पाता, जिसके कारण ये कंघी इस छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप अपने बाल को भिगो के ला के देख लीजिएगा, ये कभी जो है आकर्षित नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त आपका प्रैक्टिकल हुआ बच्चों, इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी को बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के आपके अनिकेत पाठक फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं, तो आइए उनको हम लिख लेते हैं टाइम को बिना गवाए हुए। तो क्या है विद्युत आवेश, हमने लिखा पदार्थ विद्युत आवेश पदार्थों का वह मूल गुण होता है, वह मूल गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्या बताया, विद्युत आवेश पदार्थों का एक प्रकार का मूल गुण होता है, यह सभी पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, यह कुछ पदार्थों में पाए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं विद्युत आवेश के गुण, क्या चर्चा कर लेते हैं विद्युत आवेश के। तो प्यारे बच्चों,
आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, विद्युत आवेश के गुण क्या हैं प्यारे बच्चों। तो आइए टॉपिक बनाते हैं। चलिए तो डियर स्टूडेंट अगली टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश के गुण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश का गुण क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी जानते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। क्या हमने बताया प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक क्या होता है ऋण आवेश होता है। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पहला होता है धन आवेश। क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला होता है धनावेश, धनावेश, और दूसरा क्या होता है ऋणावेश, दूसरा क्या होता है ऋणावेश। तो डियर स्टूडेंट एक बात आप ध्यान से समझिएगा, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो प्यारे बच्चों ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट, इनका जो दूसरा गुण होता है, दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण ये होते हैं कि जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को ठेलेंगे, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अगर जो प्लस होंगे, जो धन आवेश होंगे, धन धन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर की तरफ ठेलेंगे। और अगर यही माइनस होंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इन दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षित बल लगेगा। तो प्रतिकर्षित बल यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर कोई विपरीत आवेश हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं और समान आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी यहाँ एक चीज क्लियर हो गई प्यारे बच्चों, क्या क्लियर हो गई कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, और जो आपके प्लस और माइनस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्शन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, अगर आपके दिमाग से जरा सा भी उतरता होगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, समान आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये क्या है, समान आवेश है। और विपरीत आवेश क्या होते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करें, ये क्या करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ प्रतिकर्षित होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित, यानी इनके बीच आकर्षण बल लगेगा और इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा प्यारे बच्चों। आइए हम लोग इनके तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी,
तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे बच्चों, आवेश जो होता है वो एक अदिश राश होता है। क्या होता है? आवेश एक अदिश राश होता है। और इसका आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों? एक अदिश राश होता है, जिसे हम लोग क्यों से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? क्यों से व्यक्त करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, आवेश एक अदिश राश होती है। आवेश एक अदिश राश होती है, ठीक। और इस चौथी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू, इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। इसे किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राश होती है और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कुलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपके जो कुछ प्रॉपर्टी थे वो आपको बता दिए गए डियर स्टूडेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। अभी कुछ इनके मूलभूत गुण बचे हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने कौन सी टॉपिक बनाया था? आवेश के गुण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आवेश के गुण। तो आवेश के गुण के बारे में कुछ जान लिए थे। अब अगली प्रॉपर्टी क्या थी? नंबर वाइज आप लोग जो भी चल रहे होंगे वो लिख लेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? तो वी तक तो पढ़ चुके थे। वी आई यानी छठवीं प्रॉपर्टी क्या थी? तो इनकी छठवीं प्रॉपर्टी क्या है? आवेश की योज्यता। क्या है? आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इनको समझेंगे, फिर इनके बारे में लिखेंगे। आवेश की योज्यता क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने क्या ले लिया, ये कोई पदार्थ ले लिए, ये एक पदार्थ ले लिए, और ये कोई क्या ले लिए? दूसरे पदार्थ ले लिए। इसमें हमने क्या कर दिया कि इसमें जो आवेश हैं प्लस ई, प्लस दो ई, प्लस तीन ई, प्लस चार ई, माइनस दो ई, माइनस तीन ई, माइनस तीन ई, माइनस सात ई, ऐसे आवेश हैं। यानी इस पदार्थ में इतने आवेश हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया? इसमें हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों? इसमें क्या ले लिए? प्लस सेवन ई, प्लस टू ई, प्लस ई, माइनस ई, माइनस टू ई, माइनस थ्री ई, और ऐसे ऐसे। यानी हमने क्या कहा कि ये जो कोई पदार्थ बी है और ये जो कोई पदार्थ ए है, ए इतने आवेशों से मिलकर बना है और बी जो है इतने आवेशों से मिलकर बना है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा, ए में इतने आवेश हैं, बी में इतने आवेश हैं। तो आवेश की योज्यता क्या होती है? तो आवेश की योज्यता होती है प्यारे बच्चों कि किसी पदार्थ का कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश और निकाय में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं? आवेश की योज्यता होती है प्यारे बच्चों कि जिस प्रकार किसी भी, जिस प्रकार हम लोग सदिश बीजगणित को जोड़ते हैं, जिस प्रकार सदिश बीजगणित जोड़ा जाता है, उसी प्रकार किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश को भी जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा कि किसी निकाय का कुल आवेश, उस किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हम जरूर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? जैसे अगर हमने कहा कि इस पदार्थ का कुल आवेश चाहिए, तो पदार्थ ए का कुल आवेश क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, प्लस टू ई हो जाएगा, प्लस थ्री ई, प्लस फोर ई, प्लस अब माइनस, माइनस सेवन ई, माइनस टू ई, और माइनस क्या है? थ्री ई के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी इस पदार्थ पे आवेश इन आवेशों के योग के क्या होंगे? बराबर होंगे। यही आवेश की क्या है? योज्यता है। यानी हम अगर इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो दूसरा शब्द क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? कि जैसे हम लोग सदिश बीजगणितीय जोड़ते हैं, हम कहोगे सदिश बीजगणितीय जोड़, जैसे एक्स प्लस फिर टू एक्स फिर प्लस थ्री एक्स, तो x 3 टू इनको जोड़ेंगे तो 6x आ जाते हैं। तो जिस प्रकार सदिश बीजगणित को हम लोग जोड़ते हैं, उसी प्रकार किसी भी निकाय में आवेश को जोड़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो इस भाषा में लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं कि किसी भी निकाय में
उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश e2e3e-7e-5e.ne है। तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, निकाय में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेशों के अवयवों के योग के बराबर होता है कि योग के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार आवेश की योग्यता को समझ सकते हैं। दूसरे भाषा में आप ये जरूर बता सकते हैं कि जिस प्रकार सदिश बीजगणित को जोड़ा घटाया जाता है, उसी प्रकार हम लोग आवेश को जोड़ घटा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी अगली क्या होती है कि आवेश जो होते हैं, अगला प्रॉपर्टी क्या होता है, आवेश संरक्षित होते हैं। क्या होते हैं? आवेश संरक्षित होते हैं। क्या होते हैं? आवेश संरक्षित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, यानी आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, आवेश संरक्षित का मतलब होता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम का पालन करते हैं, आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं। प्यारे बच्चों, यानी आवेश को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमने क्या लिया कि कोई परमाणु ले लिए, क्या ले लिए प्यारे बच्चों, कोई परमाणु ले लिए, ये कोई परमाणु ए हो गया और ये कोई परमाणु क्या हो गया, बी हो गया। परमाणु के बीच में उपस्थित नाभिक हो गए और इस परमाणु के बीच में उपस्थित नाभिक ये हो गए। प्यारे बच्चों, अब क्या होता है, अब हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, इस परमाणु में उपस्थित जो है कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 प्रोटॉन भी होगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन आपका क्या होता है, धन आवेश होता है। तो इस प्रकार जितने ऋण आवेश होते हैं उतने धन आवेश होते हैं, तो ये परमाणु आपका क्या रहता है, उदासीन रहता है। प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है, इस पर हम मान लेते हैं कि इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 प्रोटॉन भी थे। तो यही सेम प्रोसेस, ये परमाणु बी भी आपका क्या हो गया, उदासीन हो गया। प्यारे बच्चों, जब हमने इन दोनों को आपस में क्या किया, रगड़ा, जब इन दोनों परमाणुओं को आपस में क्या किए, रगड़े, तो रगड़ने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर इस परमाणु पे पहुंच गए, यानी यहाँ रिक्त स्थान हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर इस परमाणु में क्या हो गए, पहुंच गए। प्यारे बच्चों, तो ये जैसे ही इन परमाणुओं में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, तो ये ऋण आवेश हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये कौन सा आवेश हो गया, धन आवेश हो गया। तो यहाँ हम एक डिफिनीशन दे सकते हैं, पिछले जो भी आपने पढ़ा था, धन आवेश और ऋण आवेश, तो धन आवेश और ऋण आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है वो पदार्थ ऋण आवेश कहलाते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, धन आवेश कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है वो ऋण आवेश कहलाते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, धन आवेश कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमको क्या समझाना है,
कि आवेश को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों देखिए, आवेश जो भी थे इस पदार्थ में, जो आवेश थे इस पदार्थ में, जो आवेश थे वो पहले से ही उतने बरकरार थे। हमने न तो उत्पन्न किया और न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो इनमें से हम लोग निकाल कर इसको खपत कर सकते, बल्कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इनको रूपांतरण कर सकते हैं, इनको स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर इसमें चले गए। यानी इनके कहने का मतलब है कि किसी परमाणु में अगर दो इलेक्ट्रॉन किसमें क्या हुई, हानि हुई, तो अगले परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो जिसमें लाभ होता है वो ऋण आवेश हो जाता है, जिसमें हानि होता है वो क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते होंगे कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि आवेश संरचित होने का मतलब क्या है। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां आवेश संरचित होने का मतलब कि आवेश संरक्षण के नियम से, के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, और न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप आवेश संचित होते हैं, इसको आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका आवेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण बचा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण आप क्या समझते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए आवेश के लास्ट गुण को समझते हैं। तो आइए इसका लास्ट प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट क्या है इसका, आठवां प्रॉपर्टी आवेश, ठीक, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है कि जो किस प्रकृति में, किसी पदार्थ में, प्रकृति में कोई भी पदार्थ हो प्यारे बच्चों, अगर उस पदार्थों में आवेश किस मात्रा में पाए जाते हैं जानते हो, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। यानी आप कहने का मतलब समझिए प्यारे बच्चों, जैसे आपने ये कोई पदार्थ ए ले लिया, ये कोई पदार्थ बी ले लिए, ये कोई पदार्थ क्या ले लिए, सी ले लिए, तो इस पदार्थ में जो भी आवेश पाया जाएगा, जो भी आवेश की मात्रा होगी, अगर इस पदार्थ में आवेश की जो भी मात्रा आएगी वो इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होंगे, इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, पूर्ण गुणज होंगे। इसी प्रकार इसमें भी, जैसे अगर इस पदार्थ में आवेश पाया जाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 3/2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4/5 इलेक्ट्रॉन आ जाए प्यारे बच्चों। यानी ऐसा कभी संभव नहीं है कि किसी भी पदार्थ में ऐसा आवेश पाया जाए या इस प्रकार का आवेश पाया जाए। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में अगर आवेश पाए जाएंगे वो 1E, 2E, 3E, 4E, 5E करके पाए जा सकते हैं, पर कभी 1/2E, 3/3E, 4/5E ऐसे नहीं पाए जा सकते प्यारे बच्चों। तो यानी कहने का मतलब है आवेश जो होते हैं वो एक बंडल के रूप में पाए जाते हैं। आवेश किस रूप में पाए जाते हैं, एक बंडल के रूप में पाए जाते हैं। जिस प्रकार माचिस की तीलियों का जो बंडल होता है वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं, क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं।
यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो आवेश q बराबर क्या हो जाएगा ne, आवेश q बराबर क्या हो जाएगा ne, यही आवेश की क्वांटीकरण का क्या है व्यंजक है, जहां n क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये n का मान हो गया प्यारे बच्चों। और जो e होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6×10⁻⁴ कूलाम, और q क्या है आवेश की मात्रा है, q क्या है प्यारे बच्चों आवेश की मात्रा है। तो इस प्रकार आवेश के क्वांटीकरण को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये एक नंबर का हेडिंग आपके बोर्ड पेपर में पूछता है प्यारे बच्चों, तो आप इसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और अब जरा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ विशेष टॉपिक के बारे में। आइए प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा कर लेते हैं विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इतनी देर तक आप लोगों ने जाना होगा कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, पर विद्युत आवेश का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है CGS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, CGS पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ये जानने वाली बात है कि ESU बराबर कितने कूलाम होते हैं, तो एक ESU बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ESU बराबर होते हैं 3×10⁹। या प्यारे बच्चों सॉरी जरा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ ESU। ये बातें आप ध्यान से समझिए, यानी एक कूलाम में इतना ESU आवेश होते हैं CGS पद्धति में, जो ESU मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं प्यारे बच्चों। अब आपका जो अगला मात्रक होता है, इसका अगला मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका आपका अगला मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी EMU क्या होता है EMU। तो प्यारे बच्चों इसका जो दूसरा मात्रक होता है वो क्या होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है प्यारे बच्चों। इसका अगला मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्यारे बच्चों EMU। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिएगा कि एक EMU बराबर कितने होते हैं, तो एक EMU बराबर होते हैं 3×10⁻¹। क्या होता है एक EMU बराबर 3×10⁻¹ 3×10⁻¹ ESU, यानी एक EMU में इतने ESU होते हैं, और बराबर ये किसके होते हैं 10 कूलाम के बराबर होते हैं। एक बार आप ज़रूर इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा सा यहाँ एक क्या होता है 10 होता है, तो थोड़ी सी ये क्लियर कर लिए प्यारे बच्चों। क्या होता है एक बार फिर से CGS पद्धति में इसका मात्रक ESU होता है, और एक कूलाम में इतने ESU आवेश होते हैं, और दूसरा मात्रक क्या होता है ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए उपयोग होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का मात्रक EMU होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, और एक EMU बराबर क्या होता है 3×10⁻¹ 10 ESU, जो किसके बराबर होता है 10 कूलाम के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको ज़रूर समझना होगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। और जो आपका आवेश होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, क्या होता है फैराडे, तो ये ज़रूर लिखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। कितना होता है
हेराडे होता है। तो इस प्यारे बच्चों इसको आप लोग हेडलाइन जरूर कर लेंगे। क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसका मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है सबसे ये बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है प्यारे बच्चों। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या होता है एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो प्यारे बच्चों कि आपका जो आज का टॉपिक था आवेश, विद्युत आवेश, वो आपको पूर्ण रूप से आज हमने आपको समझा दिया प्यारे बच्चों। एक बार फिर से रिपीट आप ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर जहाँ भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आए प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट बॉक्स से क्लियर नहीं होते तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप वहां जाकर जो है आप टेक्स्ट सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो भी प्राप्त कर सकते हैं। एनी कोई भी सब्जेक्ट हो आपको वहां मिलेंगे, आप रिस्पॉन्स वहाँ आपको दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो एक अभी आपने एक चीज़ पढ़ा था प्यारे बच्चों कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस समय जब हमने ये पढ़ाया था प्यारे बच्चों तो वो सामग्री उपलब्ध नहीं थी उस समय, अब उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। पहले फैन बंद कर दीजिए। सर अभी आपने बताया कि जो समान आवेश अंकित सर अभी आपने बताया कि जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसा कैसे, क्या आप प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा सकते हैं? जी बिल्कुल प्रज्वल सर, हम आपको ये बता सकते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा सर आपने ये क्या ला रखा है? ये हम आप लोगों के जैसे टीचर, आप लोगों के जैसे विद्यार्थियों को समझाने के लिए कुछ सुझाव लिए हैं कि जैसे अगर एक हम लोग बैलून ले लेते हैं, क्या लिए प्यारे बच्चों, बैलून ले लिए, और उसके बाद एक प्लास्टिक का कोई भी चीज़ ले लेते हैं, कोई भी प्लास्टिक का वस्तु हो गया। जब प्लास्टिक की चीज़ को हम लोग इससे रगड़ते हैं, इसको रगड़ते हैं, इस गुब्बारे को रगड़ेंगे इस बैलून को, और इस देखते हैं रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। आपने पढ़ा था समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस जब गुब्बारे को हम लोगों ने इस बॉटल से रगड़ा और बॉटल से रगड़ने के बाद हमने देखा कि ये देखिए, ये जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ लेके जा रहे हैं ये गुब्बारा जो है इससे क्या हो रहा है, बॉटल से दूर चला जा रहा है प्यारे बच्चों। तो ये बॉटल क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। आप अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो ये घर पे आप प्रैक्टिकल जरूर कर सकते हैं कि आप एक प्लास्टिक का राड लीजिएगा और प्लास्टिक की राड को बॉटल से रगड़ेंगे तो प्लास्टिक की राड को गुब्बारे से रगड़ेंगे तो गुब्बारे से रगड़ने के बाद आप देखोगे कि दोनों पे जो है समान आवेश उत्पन्न होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं दोनों पर समान आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इस पे भी समान आवेश होता है, इस पे भी समान आवेश होते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने कर आप देख लिए, अब अगर विपरीत आवेश उत्पन्न होता, अगर इस पे माइनस होता इस पे प्लस होता तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते, आकर्षित कर लेते। नहीं तो प्रज्वल सर आप इस गुब्बारे से इसको रगड़िए और रगड़ कर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। रगड़िए, देखिए बच्चों हम भी आपका जादू कुछ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम लोग लेके इधर की तरफ जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आइए यहाँ आपने देख लिया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अभी जैसा कि प्रज्वल सर ने पूछा था कि क्या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आइए इन दोनों बैलून को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद देखते हैं क्या ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों पे विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे
लेंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, प्रतिकर्षित आकर्षित कर लेंगे, और समान आवेश उत्पन्न हुए तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। प्यारे बच्चों तो आइए हम देख सकते हैं, तो देखिए एक दूसरे को रिपल्सन किए, एक दूसरे को रगड़े, तो रगड़ने के बाद तो प्रजो सर आपने भी कहा था ना कि विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दिखाइए कैसे, या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो दिखाइए बच्चों ध्यान से देखिएगा ये। तो प्यारे बच्चों देखिएगा हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद जैसे हमने एक दूसरे को रखा तो ये देख सकते हैं एक दूसरे को क्या कर लिए हैं, प्रतिकर्षित कर लिए, यानी एक दूसरे से क्या हो गए, ये आकर्षित हो गए, सॉरी गाइस एक दूसरे से क्या हो गए, आकर्षित हो गए, यानी इस पे और इस पे दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हुए जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए। तो आई होप प्यारे बच्चों कि आपको ये जरूर ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को समाप्त करते हैं डियर स्टूडेंट, और आप घर पर स्वयं इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो प्रज्वल सर आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर ये फाड़ू ट्रिक यहाँ पर सीखना है ये एक्सपेरिमेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में झोंक दीजिए सब बातें जो आपको याद आ रही हो। तो ठीक, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो मस्तियाँ और मजाक हुए हैं वो आपको समझाने के लिए हुए हैं।